अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। जैसे कि पहले होता आया है, हर चार महीने बाद सिंध में अख्तियारात की एक जंग छिड़ जाती है, और ये जंग कोई आम जंग नहीं। एक तरफ रेंजर्स हैं जिन्होंने अपने अख्तियारात का अमली मुजाहरा किया, और कराची में काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हो गए, सूरत हाल बेहतर हुई, अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत है जिसका ये कहना है कि अख्तियारात जो रेंजर्स इस्तेमाल कर रही है कभी कभी उसमें तजावजात हो जाते हैं। हाल ही में रेंजर्स ने लाड़काना के अंदर भी एक कार्रवाई की जिसमें खालिद खरल नामी एक मुलज़म को गिरफ़्तार किया, मगर फिर मुबैना तौर पर सिंध के वज़ीर दाखला के भाई और उनके दोस्तों ने उस मुलज़म को छुड़ाया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या कराची की तरह रेंजर्स को अंदरून सिंध में भी ऐसी कार्रवाइयाँ करने का अख्तियार है। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह का ये कहना है कि ये अख्तियारात सिर्फ कराची तक महदूद हैं और अंदरून सिंध में नहीं। इसी झगड़े के ऊपर अब जबकि 120 दिन के अख्तियारात की मुद्दत पूरी हो चुकी है और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को कराची और सिंध में अख्तियारात के हवाले से मज़ीद तोसी देनी है, तो सिंध हुकूमत और चीफ मिनिस्टर सिंध का ये कहना है कि अब ये फैसला पार्टी की आदत करेगी। इस हवाले से तमाम नज़रें अब साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी पर लगी है, जिन्होंने अमरीका से दुबई पहुँचना था, मगर खबर यह है कि अब उनकी दुबई वापसी भी दो दिन की ताखीर का शिकार हो गई है। और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखला सिंध अब 22 तारीख को यानी 22 जुलाई को दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, और जिसके बाद ये फैसला होगा कि रेंजर्स को मज़ीद अख्तियार देने हैं या नहीं। मगर क्या सिंध हुकूमत और क्या सिंध के अवाम या कराची के अवाम मज़ीद दो दिन तक जनाब सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई में आमद का इंतज़ार करेंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज हम अपने प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिंध में हो क्या रहा है, क्या वजह है कि रेंजर्स जिन अख्तियारात को इस्तेमाल करके कराची में अमन अमान लाई हैं उसको वो अख्तियारात में मज़ीद तोसी नहीं दी जा रही, और फिर क्या वजह है कि पिछले कई साल से रेंजर्स ही ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रही है और अभी तक सिंध पुलिस इस काबिल भी नहीं बनाई जा सकी कि वो रेंजर्स का मतबादल बन सके। हम मेहमानों का तारफ़ कराते चले, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैद नज़ीर जो दिफाई तजियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं सैनटर कर्नल रिटायर्ड सैद तार हुसैन मशदी साहब, MQM के रहनुमा हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है AK मोहसन ने जो हमारे रिपोर्टर हैं वक्त न्यूज़ कराची से, और हमें टेलीफोन लाइन पर ही हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असकर भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ AK मोहसन से करूँगा टेलीफोन पर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। मोहसन साहब, ये बताएं ये क्या अख्तियारात की जंग है और क्या कराची के लोग अब दो दिन तक आसिफ अली जरदारी की दुबई में आमद का इंतज़ार करेंगे, क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अख्तियारात की भी जंग है, और दरअसल जब भी रेंजर्स के अख्तियारात खुसूसी अख्तियारात रेंजर्स के सिंध में दो मसाइल हैं, एक तो रेंजर्स का क़याम है वो अलग मसला है, और खुसूसी जो अख्तियारात दिए गए उन्हें तफ्तीश करने का छापे मारने का वो अलग इशू है। तो अभी इस वक्त उन्हें दरपेश है, उनके गुज़श्ता दिनों गुज़श्ता रोज़ जो है उनके अख्तियारात जो है वो ख़त्म हो गए थे, 90 दिन के लिए दिए गए थे खुसूसी अख्तियारात। तो अभी वजारत दाखिला सिंध ने एक समरी बनाकर वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को रवाना की थी, जिसमें उन्हें दरख्वास्त की गई थी कि सिंध रेंजर्स के जो खुसूसी इख्तियारात हैं उनकी 90 दिन के लिए तौसी की जाए। तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो उन्होंने उस समरी को वापस कर दिया है और वज़ारत दाखिला सिंध को, और उन्हें कहा है कि विफाक से मुशावरत करके ये समरी दोबारा जो है वो उन्हें अरसाल की जाए। तो इस वक्त कराची शहर जो है वो आप भी जानते हैं, सबको आवाम को भी पता है कि रेंजर्स की वजह से अमन अमान हुआ है कराची में, वरना आए दिन गोरीबंद लाशें, सैकड़ों की तादाद में लोगों को जलाओ घिराओ के वाकयात और टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, हत्ता तो इतना आम था कि आप फितरा भी अदा नहीं कर सकते थे, आप खाल जानवर की इधर उधर नहीं दे सकते थे, इतना ज़्यादा जो है पर्ची और पत्ता चलता था। लेकिन रेंजर्स के आने के बाद हमने देखा कि ये तमाम चीज़ें तकरीबन जो है मामला हल हुए हैं और आम शहरी इस वक्त सुकून का सांस ले रहे हैं और शहर पुरम तरीके से रन कर रहा है। रेंजर्स जी ये जो खबरें अब कानूनी तौर पे खत्म हो चुके हैं, तो रेंजर्स ने कुछ कार्रवाइयां भी रोक दी हैं कराची में,
आप क्या देख रहे हैं, अगर ये कार्रवाइयां ऐसे रोकती गई हैं तो, और अगर रोक दी जाती हैं तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है? बहुत भयानक नतीजा होगा मसीह साहब, कि ये आप देखें कि कराची में इस वक्त रॉ के अलावा मोसाद का नेटवर्क काम कर रहा है, अफगान एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, किराए के कातिल यहाँ पे काम कर रहे हैं, किराए के टारगेट किलर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, भत्ताखोर ग्रुप्स हैं जिन पे आप किराए पे उनसे भत्ता कलेक्ट करवा सकते हैं, अगवाकार हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आपने देखा वेशा और बड़े बड़े वाकयात यहाँ पे हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगा अगर रेंजर्स को ये खुसूसी इख्तियार नहीं दिए गए तो। मगर मोहसिन साहब, आप कह रहे थे कि रेंजर्स की वजह से सूरतयाल बहुत बेहतर हो गई है, तो ये सब जराइम पेशे लोग अभी तक काम कैसे कर रहे हैं कराची में? ये सब जराइम पेशा लोग अभी तक कैसे कराची में काम कर रहे हैं अगर आप बकौल आपके रेंजर्स की वजह से सूरतयाल बेहतर हो गई है तो? दरअसल रेंजर्स के वो असरात तो अब तक बाकी हैं, जराइम पेशा अफराद को जरबकारी लगाई थी रेंजर्स ने और वो तो अभी तक उनके दिलों में भी है और उनके हाइड आउट रेंजर्स को पता है और मॉनिटरिंग भी हो रही है। अंडरग्राउंड चले गए, अंडरग्राउंड बिल्कुल चले गए हैं और वो उन्होंने स्ट्रेटेजी, और आप देखिएगा अल्लाह ना करे इन एक दो दिनों में अगर रेंजर्स के खुसूसी इख्तियार बहाल ना हुए तो कुछ बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि खुदा ने लोग जी ठीक। अभी अभी ये कायम अली शाह क्या खुद फैसला साजी की कुव्वत नहीं रखते कि ये दुबई जाएंगे और एक ऐसे शख्स से फैसला करवाएंगे कि जो मुंतखब शख्स नहीं है, हुकूमत का बंदा नहीं है? जी बिल्कुल, ये सिंध की बदकिस्मती समझ लें सिंध गवर्नमेंट की, कि हर बड़ा फैसला उन्हें तौसीक के लिए या तो लंदन अगर को चेयरमैन उनके होते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है, दुबई उन्हें जाना पड़ता है, और अहम इवन के सेक्रेटरीज के तबादले भी जो हैं वो भी आसिफ हजारी साहब की मुशावरत और उनकी राय के बाद किए जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया ए के मोहसिन, वक्त न्यूज़ के रिपोर्टर कराची से हमें अपडेट दे रहे थे। मैं ब्रिगेडियर साहब से ही गुफ्तगु का आगाज़ करना चाहूँगा, और ब्रिगेडियर साहब मेरा आपसे तो यही सवाल है कि रेंजर्स अगर ये अख्तियारात उनको नहीं दिए जाते तो ऑपरेशनली कराची के अंदर कानूनी एतबार से क्या असर पड़ेगा रेंजर्स की कार्रवाइयों पर? देख लो, आपने जो अभी तक कराची वालों ने और इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो कुर्बानियाँ दी है तो वो एक हाफ वे जॉब होगा, और जिसकी वजह से दरमियान में एक मिशन को अचीव किए बग़ैर छोड़ना, इसका मतलब है कि उसका दोबारा आना उस वायलेंस का, उस कराची का जो कि वहाँ पर रोज़ रोज़ हड़ताल, रोज़ रोज़ वहाँ पर लाशें गिरती थी, वहाँ पर कोई कानून नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चलता था कि भाई एक आवाज़ एक आर्डर मिलता था और उसके वजह पूरा कराची बंद हो जाता था, मतलब ये उसकी इकॉनमी, उसके लोग, उसके ताजर, उसके हर चीज़ यरहमाल था। इसका नतीजा ये होगा कि अगर ये पहले तो मुझे उम्मीद है कि इख्तियारात दिए जाएंगे, लेकिन वही वाली बात है कि दूध भी और साथ मंगनियाँ भी डालकर थोड़ा सा वो वाली हमेशा ये डीले वाला टेक्चर से। लेकिन मुझे दो चीज़ें जा रहा है कि कराची तक महदूद थे अख्तियारात और अंदरून सिंध के लिए अख्तियारात नहीं थे, ये किस हद तक जायज़ है, कानूनी नुक्ता है सिंध हुकूमत का? मेरे ख्याल में कि अगर कोई भी हुकूमत हो जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर होता है, लोगों के जान और माल की हिफाजत होती है, और जान और माल की हिफाजत के लिए उनके पास जो भी टूल्स होते हैं उसको वो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर रेंजर एक टूल था और वो सिंध में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और उसको बेहतर कराएं तो उसको क्या वजह है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहे हैं, या उसके इस्तेमाल से ये लोग तंग हैं, या उसके इस्तेमाल पर इन लोगों को इतराज़ात हैं। अगर ख़ुद भी कहते हैं कि भाई रेंजर्स ने अभी तक काफ़ी हद तक काबू पा लिया है जराइम पर और कानून पर, जिस तरह आपने अपने रिपोर्टर से भी, अगर ये बात है और ये कौमी मफाद में भी है, अवाम के भी मफाद में भी है और ये लोग अवामी लोग हैं, तो फिर क्यों ये इख्तियारात वक्त पर नहीं दिए जाते? ये तसाहुल गाफिलाना है या ये इसके पीछे कोई और मज़मरात है? जी करीम ख्वाजा साहब, जो काम आपने कल करना है वो आज क्यों नहीं कर देते ताकि कोई किसी बड़े हादसे से बचा जा सके? रेंजर्स 22 साल से बैठी है मतीन साहब, और हर 3 महीने 6 महीने के बाद यही पैटर्न चल रहा है 22 साल से। आपकी दरख्वास्त पे बैठी है? नहीं, दरख्वास्त हमारी हो या किसी की भी हो तो हम तो दरख्वास्त पर, ये तो हमारा भरापन है ना, सबको बिठा कर बैठे हैं और एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
ये जो तीन साल से जो एक तो है कि ये 1935 का एक्ट है जिस एक्ट के तहत पाकिस्तान बना था, उसी एक्ट में ये सब चीज़ें मौजूद है कि सूबे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो हम ये तीन साल से जो अख्तियार सिंध के अवाम तो इन कानून में दिलचस्पी नहीं रखते, नहीं, वो नहीं, कह रहे हैं उनकी जानो माल की तहफ़ पुलिस कर लेगी। मेरी बात बिल्कुल करेगी। कौन जिम्मेदार आइंदा दो दिन में? ये तो वो दलील अख्तियार खत्म नहीं, पुलिस अख्तियार देखें, हम ये नहीं कहते कि वो एजेंसी कम है ये ज़्यादा है ये कम है। पुलिस के लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लोग भी शहीद हुए हैं, उन्होंने भी मेजर जो केसेस हैं उनको अरेस्ट किया है। इस तरह आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस वक्त इंचार्ज कौन है कराची में? कराची में चीफ वाली वारिस कौन है कराची? वाली वारिस पार्लियामेंट है, सिंध की पार्लियामेंट जिसको चुना है लोगों ने वो है पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट का जो वजीर आला कायम अली शाह है, और जो है हम आवाम के हक में जो भी होगा फैसला वो करेंगे, क्योंकि कोई हुकूमत नहीं चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। मैं तो ये कहूँगा कि जो सेक्रेटेरियन किलर्स बलूचिस्तान में बैठे हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर सारे पंजाब में बैठे हैं, जो लाहौर में जो सारा यर्गमाल जादीज ने किया हुआ है, चौधरी निसार को चाहिए कि वहाँ जाकर अरेस्ट करें ना इन। और अगर कराची में बैठे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, कराची में तो तीन साल से एक ऑपरेशन चल रहा है, सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग भाग गए हैं, मारे गए हैं, कंटिन्यूसली चल रहा है ऑपरेशन, और इसमें क्रेडिट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को आता है, पॉलिटिकल पार्टीज को आता है। सिंध में क्यों नहीं हो सकता ये? अगर ये ऑपरेशन ऑपरेशन कंटिन्यूसली कराची में चल रहा है तो सिंध में क्यों नहीं चल रहा? देखिए बात सुने, ये अंदरून सिंध की बात कर जी, अंदरून कराची उसका टूट अंग है। बिल्कुल सही है। अंदरून सिंध में जो ज़िले हैं हमारे, अगर आप अपने नवाए वक्त वालों को कहें जाकर हर ज़िले में जाएँ, तो ऑफिसर्स हमने पंजाब और खैबर पश्तून खान के हमने इंडक्ट करके SSPs लेकर आए हैं, और उन्होंने गुजर दो ढाई साल से आप कोई किडनैपिंग मजमूई तौर पर नहीं है, आप ट्रैवल सेफ कर सकते हैं, क्राइम रेट कम हुआ है, पंजाब से बेहतर है हमारी हालात। साउथ पंजाब में छोटू गैंग पकड़ा जाता है, मुस्लिम लीग सौदेबाजी करती है, उसका कुछ पता चला कि छोटू ने किस किस के नाम दिए, कौन कौन वहाँ का जो उसके शायद टाइम नहीं आया नहीं मेरे पास। उसके बाद जो है आप देखें कि पंजाब में सेक्रेटेरियन सारा आउटलिफ्ट बैठी हैं जो कि सिंध में आकर डिस्टेबलाइज कर रही है। आप सिंध की अगर बात नहीं तो मैं सारे पाकिस्तान की बात करूंगा। वहाँ पे वाली वारिस कौन है इस वक्त? वाली वारिस पीपल्स पार्टी है, पार्लियामेंट खत्म है। नहीं मेरी बात सुने, कानून के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के तहत हर चीज़ होगी। रेंजर्स कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं आप ये बताएं? नहीं, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीफ मिनिस्टर फैसला करेगा वो करेंगे। नहीं, अभी तक कर सकते हैं जब तक फैसला नहीं देखें, होता जो आज कर सकते हैं कार्रवाई है। जो लॉ में मौजूद है अकॉर्डिंगली वो होगा। वो तो एक्सपायर हो गया ना उनका, एक्सपायर होगा तो जिस तरह 22 साल से 3-3 महीने हम वापस चले जाए बैरक्स में। आज देखिए ये फैसला वहाँ की पार्लियामान करेगी, वो तो कानून में एक्सपायर हो गया ना, आप ये बता दें रेंजर्स जो कह रहे हैं रुक गई हैं। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, वहाँ का चीफ मिनिस्टर और वहाँ की पार्लियामेंट करेगी। जी मशदी साहब, आप भी कराची का दिल हैं और MQM भी इस वक्त रेंजर्स के अख्तियार के तहत ही एक किस्म की आपके बकौल निशाने पर है, तो आप नहीं समझते? नहीं, साफ जाहिर है। जी जी, तो आपके आप नहीं समझते जब किसी और के खिलाफ जाते हैं, जब किसी और के खिलाफ जाते हैं तो कानून और आईन आ जाता है कि आप चंद में नहीं जा सकते। होनी चाहिए, आप ही बोले मैं नहीं बोलता। अख्तियार में तोसी होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता, आप बोले। नहीं माजद सवाल, जब भी मैं बोलता हूँ आप बोलना शुरू कर देते। मेरा बोलना चलिए, आप बताएं, आप बोले। नहीं आप बताएं, अख्तियार में तो सही होनी। नहीं नहीं, मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। मैं क्यों बोलूं? नहीं, आप काम मुझे बोलने देंगे? नहीं आप बोले, बोले। आपको तो वैसे ही नफरत से भरे हुए हैं MQM के खिलाफ, आप कैसे भाई मुझे बोलने दोगे? आप सुनने को तो तैयार नहीं हो, अपनी 1000 मील दूर से बैठ के आप एक्सपर्ट बन गए हो। कराची की खड्डा मार्केट किधर है बता दो? आप बता दें सर, आप वहाँ पे रहते हैं, आप बता दें। क्या किवाड़ा कहाँ है? नहीं आप बता दें। मूसा लेन कहाँ है? नहीं मेरे प्रोड्यूसर मुझे गाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ब्रिटो रोड कहाँ है? नहीं आप बता दें कि क्या रेंजर्स को अख्तियार मिलने चाहिए या नहीं मिलने। देखें, आइन पाकिस्तान का है, वो किसी और मुल्क का नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी और मुल्क के नहीं हैं। हमने आइन पाकिस्तान के साथ चलना है। हम एक फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पाकिस्तान जो है फेडरेशन है, द स्टेट ऑफ ए फेडरेशन। फेडरेशन में फेडरेटिंग यूनिट्स के अपने राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोविंसेस को अपने अपने हक दिया हुआ है,
only the provincial government can ask the federal force to function in the province of Sindh. वो है सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब वो अच्छी है या बुरी है वो एक दूसरी डिबेट है. वो तो मैं आपके साथ उनकी तारीफें करने को तैयार हूँ जो जो वो कर रहे हैं और जो आवाम को दुख हो रहा है या दुख हो रहा है वो अलग बात है. बट लीगली आपने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनली ओनली द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ द राइट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही उनको पावर देती है अंडर आर्टिकल 147. उनको फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड देती है, उनको फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूटी देती है. वो अपनी तरफ से जज एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते. ठीक है, और अगर वो आते हैं तो दे हैव टू फंक्शन विद इन द लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. चलिए कतकलामी माफ में ब्रेक लेते हैं और आपसे ही शुरू करते हैं. इसके अख्तियारात के हवाले से जो बहस छिड़ी है हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर कनरटा से तार हुसैन मशदी साहब. तार साहब वही सवाल के अख्तियारात अब कानूनी तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज प्योरली गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपनी वो है कानूनी, नोबडी कैन चैलेंज दैट. मगर होनी पूरे सिंध में चाहिए. इसलिए से अगर आप कराची की ज्योग्राफी जानते हैं या सिंध की तो एनी वाकया एनी क्रिमिनल ही कैन टेक एनी ऑपरेशन इन कराची विद इन 10 to 15 minutes ही इज इन सिंध आइदर इन ठट्ठा और सजावल और बदीन और हैदराबाद ये सराउंडिंग और इन बलोचिस्तान लजबेला दे आर ऑल ऑन द बॉर्डरिंग कराची. कराची की बॉर्डर में आस पास है तो एक जगह पे एक शहर को टारगेट करना एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना इज़ नॉट द जॉब ऑफ द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज. वो ओवर बोर्ड होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, पूरी प्रोविंस में होना चाहिए और उससे आगे भी पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए. बट ये मतलब के सो दैट परसेप्शन ना हो, अगर सच नहीं है तो परसेप्शन कम से कम ये ना हो कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ है या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है. तो ये तो ज़रूरी है कि ये पूरे सिंध में होना चाहिए. अब आ गई कि जी पावर्स ऑफ द रेंजर्स, रेंजर्स ने काम किया है इसमें कोई शक नहीं है. मगर पुलिस को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं. पुलिस के स्पेशल यूनिट्स जो थे उन्होंने परहैप्स रेंजर से भी ज़्यादा अच्छा काम किया जब उन्होंने ये लश्कर जंगवी और साहबा वालों को जो कि जो फायर बैक करते हैं उनके साथ भी आपको एतराज़ उनके साथ देखे ना एमक्यूएम वालों को जितनों को भी पकड़ा 7,000 को किसी ने वापस रिटेलिएट नहीं किया, किसी ने फायर नहीं किया, किसी ने रेजिस्ट नहीं की. बट जब भी वो गैंग्स के पीछे गए हैं लियारी गैंग्स ने फायरिंग की है, रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए. जब वो तालिबान के पीछे गए हैं तालिबान ने रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए हैं, मशीन गन इस्तेमाल किए. जब वो लश्कर जंगवी के पीछे गए हैं सो कराची में तो MQM को तो अभी भी रावनवार के ऊपर खदशात हैं. और अभी कवर नवीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कहते कि वसीम अख्तर साहब रावनवार साहब के हवाले नहीं होने चाहिए थे. नहीं उनके हवाले क्यों, एक कंट्रोवर्शियल आदमी के हवाले आप क्यों कर दिया? ये एक थोड़ा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये नॉट ओनली हमें आते हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है उनके खिलाफ कि इनकी जो परसेंटेज एंड नंबर ऑफ टारगेट वो क्या नाम है इनकाउंटर्स पुलिस हाईएस्ट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है. तो ही इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सल पर्सन. प्लस वो टीवी पे आया है, MQM को गालियाँ दी हैं, ये किया है, वो कि हमारे लीडर के खिलाफ बातें की हैं, कुछ एलिगेशन लगाई हैं. ये इज SP पुलिस, अगर कोई चीज़ है उनके पास थी भी तो जाके अरेस्ट करते लोगों को. टीवी पे आके करना और उसके बाद कुछ भी ना निकलना तो इट बिकेम जस्ट एलिगेशंस. तो एलिगेशंस एनीबॉडी कैन. हमारी कोशिश है कि शेख रोहेल असगर साहब रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के उनसे भी हम फ़ोन पे रबता करें. बगैर साहब अगर सिंध हुकूमत अख्तियारात दे भी देती है इन हालात में कि जब रेंजर्स और सिंध हुकूमत बज़ाहिर एक सफ़े पर नहीं है तो जो मुलजमान पकड़े जाते हैं उनको अदालत में जाके यही सरकार के वकील ही फिर कहते हैं कि इस पर दहशतगर्दी नहीं बनती, इस पर ये केस नहीं बनता, तो ये काम कैसे चलेगा? डॉक्टर आसिम हुसैन की एक मिसाल हमारे सामने है. तो आप समझते हैं कि इन अख्तियारात से मामला ज़्यादा अहम आगे का है और एक सफ़े पर होने का है? बिल्कुल आपकी बात सही है और ये नेशनल एक्शन प्लान का एक हिस्सा भी है, एक नुक्ता भी है अहम कि हमारा जो जुडिशल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर कराना चाहिए. और यही वजह है कि मुजरिम तो ठीक है 90 दिन उनके उसमें वो रहता है लेकिन उसके बाद जब अदालत पहुंच जाता है तो वो सारा सिलसिला स्क्वाश कर देते हैं. एक दूसरी बात ये है कि
ये जब वो ब्रिगेड साहब, मैं माजरा चाहता हूँ, मुख्तसरन हम फ़ोन पे जाएंगे और वापस आपके पास ही आएंगे। शेख कोयल अस्कर साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया अपना अपना गरेबान को वक्त देने का। ये बताएं कि वफाकी हुकूमत भी इंतज़ार करेगी और कब तक इंतज़ार करेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर तो रेंजर्स के अख्तियार ख़त्म हो चुके हैं और इतलात ये हैं कि रेंजर्स ने अपनी कार्रवाइयाँ भी रोक दी हैं। मदीन साहब, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, ये अलमिया ये वैसे अच्छा नहीं है ये सिलसिला कि जिसने मेन पर कोशिश है कराची की दौर के कराची की मुश्किलात आसान हुई थी, मेरे ख्याल में इसको कंफ्यूजन बजाय इसके कि आप इसको मीडिया में आता या इसको आप गुफ्तगू रबता बनाते सिलसिला और उसको कर रहे थे आप। सब कार्रवाइयां कराची में रुक गई हैं, तो मिल बैठ के आप तय करके नहीं, उसमें यह है कि मैं एक बात नतीन साहब आपने देखा होगा कि फैसलकॉम ने जब भी इसमें कोई रोल अदा करने की कोशिश किया तो बजाय इसके कोई मुस्बत बात निकले वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जिसके शायद फेडरल गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। हालांकि उसमें मेरा ख्याल में सिविलियन फेडरल गवर्नमेंट की तो मैंने जो मेरी गलत हो सकती है, अप्रोच गलत हो सकती है, मेरी सोच गलत हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा एक्चुअली वो ये थी कि वो कराची में जो कुछ हो रहा है उसको बंद किया जाए और उसको नॉर्मलाइज लाइफ होनी चाहिए उसकी कराची। वैसे तो पूरे मुल्क में था लेकिन कराची बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था और सिंध का नहीं था, सिंध का मामला नहीं था, अंदरून सिंध का नहीं। कि वो उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने देखे ना, अभी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बैठे को अगवा किया गया, वहां से किस जगह लेके गए और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से वो गुजरे और वो क्या पहुंचे रहीश भाई खान, तो ये सारी चीजें जो है ना इनको सामने रख के तो चीजें होंगी, गलत हो जाती होने चाहिए या नहीं। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, इसमें पहली बात तो अगर आप मुझसे हकीकतन पूछते हैं मुझसे तो इसका तो सरीहन जो है फैसला वो सिंध गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिंध गवर्नमेंट पे आती है ना, और अगर वो हद से तजावज कर जाए जैसे कराची ने तजावज किया था तो फिर उसमें फेडरल गवर्नमेंट जरूर इंटरवीन करती है कि इसको भी अब इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सिंध के मामले में है, दून सिंध के मामले में या कई और किसी शहरों के मामले में है, उस देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या इस वक्त सिचुएशन जो है कितनी वर्स्ट है, और अगर वहां पे वाकई इतनी वर्स्ट है तो फिर तो सिंध गवर्नमेंट के साथ फिर भी फेडरल गवर्नमेंट को फैसला सिंध गवर्नमेंट का होगा कि अंदरून सिंध में कार्रवाई कर सकती है रेंजर्स या नहीं, ये फैसला सिंध गवर्नमेंट ने करना है। वफाकी सिंध गवर्नमेंट करेगी, वफाक के साथ मिलके बैठ के अगर उनको ये समझते हैं कि वो उनकी पुलिस या उनकी बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो नहीं वहां पे उसको टेकअप कर सकती तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट से कह सकती है ताकि रेंजर्स जो है वो उनकी मदद करें, फर्स्ट फोर्स बने, फ्रंट फोर्स बने और वहां पे भी इस मामले को ठीक करे। तो मेरे ख्याल में वो अगर आप म्यूचुअली बैठ के अगर विद कॉन्फिडेंस आप बैठ की बात कर लें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आपकी जो वफाकी हुकूमत है वो तो सिंध हुकूमत के साथ राबते में है एक कानूनी मसला हल करने के लिए, मगर इस तमाम मसले का जब मुजाकरात और हतमी फैसला दुबई में हो रहा हो तो आपको बतौर वफाकी हुकूमत कैसा लगता है? मैं आपको गुजारिश करूं, कुछ ऐसी बातें जो अल्फाज अदा करने से खराब हो जाती हैं मेरे अपना ख्याल है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की वजह से ही और बयानबाजी की वजह से बहुत सारी चीजें लोग भी खराब हो रहे हैं, खुल के बात अल्टीमेटली जो नतीन जो नुकसान है वो तो शहर का, शहर के बसने वालों का। अब देखिए ना आप उसमें बड़ी मुश्किल से मामला दुरुस्त हुए थे, वो भी इसकी है कि जब आपने रेंजर्स को फर्स्ट फोर्स फ्रंट फोर्स बनाया, वरना उससे पहले रेंजर्स 20-22 साल से वहां बैठी हुई है, लेकिन वो मामला तो खराब से खराब कर हो रहे थे। ठीक, यहाँ पे तो बहरहाल अब आप भी दुबई से फैसले के मुंतजर हैं वफाकी हुकूमत या कुछ खुद कुछ करेंगे? नहीं, मेरे अपने ख्याल में मैंने फर्स्ट मामला तो फिर मेरा ख्याल शायद फिर तो वफाकी गवर्नमेंट की बन जाती है रिस्पॉन्स की तो कोई जरूरत नहीं है। जब आप मांगते तो इसका मतलब है कि
थ्री आर्मी की फोर्स को मांगते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट से, चलें ठीक। तो मेरे ख्याल में इसमें कर लिया जाए बेहतर है, इसको खराब ना किया जाए, वरना फिर विफाकी हुकूमत फैसला करेगी। मेरे ख्याल में जो भी करना होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मामला तो बात कुछ नहीं कर सकते ना आप। बहुत शुक्रिया शेख रॉयल असगर, इमरान जमात रुकन कौमी असम्बली के। बगैर साहब आपने सुन लिया, उन्होंने कहा ये फैसला सिंध हुकूमत ने करना है कि रेंजर्स अंदरून सिंध में कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। आप जो मंतक दे रहे थे कि जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको कराची तक तो ऑपरेशन को महदूद नहीं किया जा सकता, मगर ये आईन और कानून का मसला है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जिस तरीके से शुरू में ही कराची के लिए ही रेंजर्स को कहा गया था, रिक्वजिशन किया गया था और सारी दुनिया को पता है, तो अब अंदरून सिंध में बगैर किसी कानूनी तरमीम के या अख्तियारात में तरमीम के कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए या रेंजर्स को इंतज़ार करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए? देख लो, अगर क्रिमिनल्स का रुख बाकी इलाकों की तरफ हो जाए तो पहले हमारे फाटा में ऑपरेशंस हो रहे थे, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में नहीं हो रहा था, और जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बहुत ज़्यादा जमा हो गए तो फिर उसके बाद भी कार्रवाई हुई। फिर दूसरी बात ये कि पुलिस भी है, जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, आर्मी भी है, सिक्योरिटी एजेंसीज इसी को कहलाते हैं, और ये कौम का पॉलिटिकल लीडरशिप का टूल होता है जो उसको इस्तेमाल करता है, तो वो टूल अगर उनके हाथ में है तो वो कटिंग टूल के तौर पर जो सूटेबल है उसको इस्तेमाल कराना चाहिए। दूसरा मैं एक पॉइंट इस मौके पर लाना चाहता हूँ विद ड्यू अपॉलॉजी मर्शदी साहब सब के साथ कि मैं तो कराची में रहा हूँ, मुझे पता है कि कराची के डायनामिक्स क्या है, मुझे पता है कि कराची के अप्स एंड डाउन किया, मुझे पता है कि कराची में एक काल पर कितनी लाशें गिरती थी, मुझे पता है कि कितने बसें जलती थी, अभी कितनी, मुझे पता है कि जितने हैक होते थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे और आपको ये हक नहीं है कि 1,000-1,500 मील बैठे हुए हैं, तो फिर 7,000 मील दूर बैठे हुए 25 साल से 30 साल से उसको भी कोई हक नहीं है कि कराची में खून खराबे का या उसके अमन का या उसके उसके निज़ाम को चलाने का या वहाँ पर लोगों को उकसाने का या वो उस करने का उसको अगर ये झूठी एलिगेशन लगा सकता है तो मैं भी लगा सकता हूँ, ये झूठी एलिगेशन लगा सकता है, अगर ये झूठी एलिगेशन लगा सकता है तो मैं भी लगा सकता हूँ। रिमोट कंट्रोल कराची में सारा खून खराब इसने ऑर्डर दिया, ये कैसे कह सकते हैं कि किसने दिया, तो क्या हुआ, तो किसने दिया, कौन सा प्रूफ है, कौन से कोर्ट की, क्यों हमसे खुलवाना चाहते हो, कोर्ट्स को बंद कर दो, क्यों हमसे बातें सुनो, इनकी बातें सुनो और कोर्ट्स को बंद कर दो। आप नहीं कहते थे हमारे बगैर पता नहीं चल सकता, नहीं कहते थे पता नहीं चल सकता, ही इज प्रूवन गिल्टी, ही इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक इनको कोई कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ से कम उतना वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ का, तो हुकूमत पाकिस्तान में हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, हमारी बिलावेड फौज भी आती है, हमारी बहादुर फौज भी आती है, उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, उसमें हमारी पुलिस भी आती है, उसमें हमारे सब कुछ आता है, तो फिर कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई मुझे दिखा दे कि ये जो कह रहे हैं किसी एक शख्स के लिए जो नाम ले रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र कर रहे हैं, जब कह रहे हैं तो ये कहना तो बहुत आसान है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने करवाया, चले या किसी ने करवाया, तो चले ये नहीं होना चाहिए, ये खाम खा किसी नफरत फैलाना इस किस्म के खिलाफ बात करनी, ये भड़काना अपनी कौम को मारो, ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं है, अल्लाह हुसैन साहब सिर्फ एक चीज कहते हैं, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, और हम लोग जी करीम ख्वाजा साहब वापस हम आते हैं, जी करीम, इसीलिए हम इलेक्ट होते हैं, इसीलिए कराची की आवाम हमें, मुझे पता है कैसे इलेक्ट होते हैं करीम ख्वाजा साहब, मुझे अंदर का पता है कैसे इलेक्ट होते हैं, वापस करीम ख्वाजा साहब, सवाल ये पैदा होता है करीम ख्वाजा साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके वजीर आला और आपकी हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि कराची में बैठ के फैसले करे, और अपने फैसलों के लिए भी वजीर आला दुबई जाके बैठ के हुक्म लेते हैं एक पार्टी के सरबराह से, तो फिर हुकूमत किस बात की? सारी दुनिया में पार्टी फैसला करती है, जवाहरलाल नेहरू सदर था मगर महात्मा गांधी जेल में होता था, उसे जाकर वो फैसले लेते थे, लियाकत अली खान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना से लंदन में जाकर कहा कि भाई आप लॉट ऑफ यहाँ आकर लीड करो,
तो ये सारा दस्तूर है सारी दुनिया में पार्टीज जो है नहीं, इसमें पार्टी का इंटरेस्ट क्या है रेंजर्स को अख्तियार देने या नहीं, पार्टी का इसमें क्या नहीं, नहीं पार्टीज के जो फैसले होते हैं सियासी फैसला है ये मुशरफ गया हिंदुस्तान मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। जब ये प्रेसिडेंट था यूजर्पर प्रेसिडेंट था ही वेंट टू इंडिया तो वो पूछ रहा था उसके इंडियन से कि यहाँ क्या पार्टीज इतनी मजबूत हैं मतलब कांग्रेस पार्टी बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब मसला है कि सारी दुनिया में पार्टीज जो हैं उनके जो सरबराह होते हैं उनकी हैसियत होती है और वो सलाह मशवरा होता है। मैंने आपके सामने मिसाल ये पेश किए सर तो पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, पार्टी की कोई काउंसिल होती है, कोई इजलास होता है, मुल्क के अंदर बैठ के होते हैं, वहाँ पे एक फर्द वाहिद आसिफ अली जरदारी वो वजीर आला को जो हुक्म देगा वो हुकूमती पॉलिसी बन जाएगी। कंसल्टेशन पार्टी की, पार्टी मीन पार्टी का इजलास। मेरी बात सुने, बेनजीर भुट्टो 8 साल जला वतन थी, जियाउलक के दौर में वो जला वतन थी नुसरत भुट्टो साहबा और बेनजीर भुट्टो साहबा, पार्टी के लोग जाते थे वहाँ जाकर, नवाज शरीफ था उससे कंसल्टेशन लेते थे। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात मतलब पार्टी का इजलास जरूरी नहीं है, नहीं नहीं कंसल्टेशन, यहाँ सिर्फ आसिफ साहब नहीं, यहाँ 10 जने जाएंगे कंसल्टेशन करके फैसले करेंगे ना, बहुत से दूसरे इश्यूज पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो ये नॉर्म है, सारी दुनिया का नॉर्म। अच्छा ये बताएं, एक तरफ खबर आती है कि आपके जो वजीर दाखिला हैं सिंध के उनके भाई जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुल्ज़िम को रेंजर्स की तहवील से छुड़ा के ले जाते हैं, तो जब इस तरह की खबरें आएंगी तो लोग तो रेंजर्स पे ज़्यादा एतमाद करेंगे ना, और आपकी हुकूमत को वो तो बिल्कुल कहेंगे कि आप मुजरिमों का साथ दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ एक ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी की हैसियत से, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी करप्शन पर बिलीव नहीं करती है, पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर बिलीव करप्शन पर बिलीव नहीं करती, नहीं करती है, नहीं करती, बिलीव नहीं करती, नहीं हम किसी क्रिमिनल्स की सपोर्ट करते हैं, अगर किसी ने क्रिमिनलिटी की है ही मस्ट बी टेकन टू द टास्क। ठीक है, मैं यहाँ इस प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी का दफा करने आया हूँ, किसी फर्दों का दफा करने नहीं आया हूँ, जिन पर इल्ज़ाम आते हैं देख कर आप उनसे सवाल पूछें। अच्छा आप मुझे ये बताएं, वसीम अख्तर साहब, अनीस कैम खानी, रऊफ सदीकी और कातिल पटेल कादर पटेल साहब ये गिरफ्तार हैं, दो बंदे आपके हैं, एक बंदा आपके हैं। अब जब ये जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपकी हुकूमत और आपके हुकूमत के सरकारी वकला इनकी जमानत की मुखालफत करेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ मतीन साहब मैं ये साहब के प्रोग्राम में और जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बताएं फिर पार्टी नहीं, ये जो है आपके ख्याल में हुकूमत को इनकी जमानत की मुखालफत करनी चाहिए इन मुल्ज़िमों की या नहीं? नहीं ये देखें बात सुने, ये फैसला जो है ये भी जरदारी साहब कर रहे हैं, ये फैसला जो है ये अटॉर्नी जनरल होते एडवोकेट जनरल जो होता है सिंध का और जो है जो जो एम्बिट ऑफ द जुडिशरी आता है दे हैव टू डिसाइड। सिंध हुकूमत जो है क्या इनके मुखालफत करेगी जमानत की या नहीं? सिंध हुकूमत न्यूट्रल रहेगी, न्यूट्रल मुल्ज़िमान के खिलाफ स्टेट न्यूट्रल रहेगी। नहीं कहने का मतलब है ये तो जुडिशरी को फैसला करना है ना, जज को फैसला नहीं, करना है। लेकिन वो इस्तगासा जो है वो तो सरकारी वकला की क्या पोजीशन होनी चाहिए? सरकारी वकला कुछ भी कहे, जज कहेगा अगर जमानत मंजूर नहीं। हुकूमत हुकूमत जमानत के ऊपर कोई नहीं, हम तो मेरिट पर होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना हम मेरिट पे कानून के मुताबिक जाते हैं, कानून में तो हुकूमत मुल्ज़िमान की जमानत की मुखालफत करती है सरकारी वकला के। इस पोजीशन में नहीं हूँ कभी ये कहूँ। चले मशरी साहब वकील भी हैं, इनसे भी बात कर लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। बात हो रही है हमारे साथ मौजूद है सेंटर कर्नल रिटायर्ड सैयद तार हुसैन मशरी साहब, रहनुमा MQM के। मशदी साहब बज़ाहिर तो लगता है कि पीपल्स पार्टी और MQM जो है इस पर्टिकुलर मुकदमे में जिसमें आपके भी और पीपल पार्टी के भी कायदीन गिरफ्तार हुए हैं, आप एक ही सफ़े पर हैं, एक ही पेज पे हैं, तो अगर आप दोनों पार्टीज एक ही पेज पे हैं तो ये कराची में कई साल से जो कचरा एक कचरा शहर बन गया है, आप दोनों मिलकर अभी तक इस कचरे को क्यों नहीं उठा सके? आवाम के लिए आप एक सफ़े पर क्यों नहीं है और वहाँ पर क्या इख्तलाफ आते हैं आपके? नहीं वहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है मैंडेट का, सिंध रूरल और अर्बन डिवाइड है सिंध में। आज मैं ये सेनेट में भी काफ़ी देर तक ये बात करता रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब वहाँ थे, अर्बन एंड रूरल डिवाइड है, अर्बन एरियाज जो हैं वो MQM डोमिनेटेड हैं, रूरल जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड बिल्कुल उनके है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उनका मैंडेट वहाँ पर है। हमारा मैंडेट शहर में है बट उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। 93% ऑफ द टोटल वोट इन द लोकल बॉडीज इलेक्शंस हमारे मेयर ने मिल लिया है, उसको 93% ऑफ द टोटल वोट ऑफ कराची, और उसको आप जेल भेज रहे हैं रादर देन गिविंग हिम द इंस्टॉलेशन। जब
لندن کا میئر ایک مسلمان بنتا ہے تو ہم دیوان عبداللہ دیوانہ ہاں پورا پاکستان زندہ باد ویری گڈ اس کے 24 گھنٹے میں اپنا پاور لے لیا آپ کا میئر 2.5 کروڑ لوگوں کے شہر کا 7 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے اس کو پاور نہیں دیا اب سندھ گورنمنٹ لیکن یہ اختیار سندھ کو مت کہنا نہیں وہی نا سندھ الیکشن کمیشن حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ایوری بڈی آپ یہ سب ملے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سندھ سب اس میں ایٹ فالٹ ہیں الیکشن کمیشن نے بھی تو الیکشن کبھی کرواتا ہے کبھی نہیں کرواتا ہے کبھی کورٹس میں بھی تو یہ کچرا اٹھانے کے اختیارات آپ کو نہیں ملے ابھی تک اچھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پنڈے میں چھنکے مارے میرے سوندے نین نمارے جنیاں لگیاں تن میرے تینوں ایک لگے تا جانے جب گڈ ڈاکٹر کو پکڑا گیا تو پیپلز پارٹی کو قانون بھی یاد آ گیا کانسٹیٹیوشن بھی یاد آ گئی ہیومن رائٹس بھی یاد آ گئے فنڈامنٹل رائٹس بھی یاد آ گئے کسٹمز بھی یاد آ گئے ٹریڈیشنز بھی یاد آ گئے پاکستان کی سیاست بھی یاد آ گئی اس سے پہلے کسی کو یاد نہیں تھا جب صرف رینجرز پکڑ رہے تھے ایم کیو ایم والوں کو اینڈ اونلی ون پارٹی واز ایک آدمی کو پکڑا تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پورا پاکستان ساری رات جاگ رہا ہے اور یہ وہ اور اس کے بعد یہ وہی رینجرز جو کہ کہتے تھے کہ ہم ابو بورڈ اور ہم ود آؤٹ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں انہوں نے ذوالفقار مرزا کے ایف آئی ٹیز اور کتنے منسٹروں کے نام لیے وہ سب بھاگ گئے جا کے دبئی میں بیٹھ گئے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا پیپلز پارٹی کے کہ ہم یہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے وہ کہ اور اس کے بعد ازہر بلوچ آ گیا اس نے کہا کہ میں نے 300 آدمی مارے پھر انہیں قانون یاد آ گیا ایک بھی آدمی ان کا نہیں پکڑا گیا ان کی ایف آئی ٹیز کے اوپر کوئی نہیں پکڑا گیا یہ انصاف ہو رہا ہے یہ اب بورڈ آپریشن ہو رہا ہے یہ جسٹس ہو رہی ہے آپ تو ان کا ساتھ دے رہے نا اختیارات کے حوالے سے آپ تو نہیں نہیں دیکھو میں پاکستان کے آئین کے خلاف میں کبھی نہیں بات کروں گا اور پاکستان کے قانون کے خلاف وہ ان کا حق جو پاکستان کے قانون ہے جو آئین تو میئر کو اختیارات دینے کا بھی حق ہی نہیں کہا ہے نا نہیں نہیں ان کا حق نہیں ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ایکٹ جو ہے اس کے تحت قانون نہیں یہ نہیں کہ میں سینیٹر بنوں تو ان کی اچھا مجھے یہ بتائیں کراچی سے کچرا اٹھانے کے لیے ایم کیو ایم آپ کہتے ہیں 93% ووٹ ایم کیو ایم کے ہیں کتنے عشروں سے ایم کیو ایم کو کوئی وہاں سے ہلا نہیں سکا ہمارا کچرا اٹھانے کے لیے ہمارا میئر دو اور آپ کی ٹیلی ویژن کو میں انویٹیشن دیتا ہوں 3 ویکس کے بعد آپ آنا کراچی کو دیکھنا نہیں تو بغیر عہدے کیسے ہو سکتا ہے وہ مارتے پکڑ کے جیل ڈال دیتے ہیں بغیر عہدے آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں پارٹی کے سطح پہ بھی تو پارٹی کون سی جو صفائی مہمیں چلتی تھی 7000 ہمارے کاکون پکڑے گئے جھاڑو لگاتے تصویریں خبریں وہ 79 کاکون جو ہے وہ کسٹوڈیل ڈیتھ میں یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں سڑکوں کے اوپر سے اٹھائے گئے سب کے سامنے اٹھائے گئے ہیں جو دی آنریبل چیف دی آرمی اسٹاف نے نوٹس لیا ہے اور بڑی بات ہے جب انہوں نے نوٹس لیا تو پھر پرائم منسٹر نے نوٹس لیا پھر چیف منسٹر نے جب انہوں نے نوٹس لیا آپ کے بھی اختیارات کا مسئلہ ہے آپ کے بھی اختیارات کا مسئلہ ہے میئر کے رینجرز کے نہیں میئر کے نہیں لوکل باڈیز کے لوکل باڈیز دے الیکٹڈ خواجہ صاحب دی مینڈیٹ اف دی پیپل از بینگ ڈینائیڈ خواجہ صاحب آپ کی ٹرمپلڈ آپ کی یہ حکومت کیا کر رہی ہے نہ تو رینجرز کو اختیارات دیتی ہے لوگوں کی جان و مال اور یہ سوری یہ خطرے میں نہیں دے رہے کیونکہ ان کے لوگوں کو پکڑیں گے تو یہ تو ان فیئر ہو جائے گا کہ رینجرز پکڑ سکتے ہیں کراچی والوں کو بٹ کسی اور کو نہیں پکڑ سکتے اربن قائم علی شاہ صاحب کے جیب میں جو اختیار ہے ان کو تو وہ استعمال کرتے نظر نہیں آتے یا استعمال کر نہیں پا رہے تو تھوڑا بہت رینجرز کو بھی آپ اختیار نہیں دے رہے کراچی کے میئر کو بھی اختیار نہیں دے رہے کچرا اٹھانے کے لیے بھی آپ خبریں کہ چینی کمپنیوں کو آپ ٹھیکہ دے رہے ہیں تو یہ حکومت کیا ہے آپ کی مطلب وجود بھی ہے اس کا یا نہیں کچرا بھی نہیں اٹھ رہا نہ میئر کو اختیار دے رہے نہ رینجر کو اختیار دے رہے تو جو آپ نہیں دے رہے اس اختیار کے ساتھ خود تو کچھ کریں نا آپ یہ کیا کر رہے ہیں جو میئر کا الیکشن یا جو وہاں لوکل باڈیز کے جو چیئرمین اور نائب چیئرمین کے صرف سندھ میں نہیں پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا پہلے عدالت نے رکھنا ڈالا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈالا اس میں نہیں ہمارا قصور ہے نہیں کسی اور کا ہے عدالت اور الیکشن کمیشن کا ہے تو اس میں ہم نہیں ہیں جہاں تک جو عدالت کی وجہ سے یہ معاملہ رکا سارا بالکل آپ یہ کچرا جو کراچی میں بھرا ہوا ہے یہ عدالت اس کے ذمہ دار ہیں کچرا کا جہاں تک جو ہمارے منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اخبار میں اور اس نے ہر چینل پر کہا جام خان شورو نے کہ 1 ارب روپیہ جو بجٹ ہے پر منتھ کا وہ سارا جو تنخواہوں کے مد میں جاتا ہے
तो पैसे के एमसी के पैदा करने की बात मेरी बात है नहीं, जो तनख्वाह देते हैं बिल्कुल सही, जो भी लोग भर्ती मुख्तलिफ दौरों में हुए हैं, तो बाकी जो है ये के एमसी के पास 10 लाख रुपए नहीं है जो सफा करे, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी बनाई है जो कि जिस तरह लाहौर में है दूसरी जगहों पर है, जिसका काम है कचरा लेना, जो मेरे ख्याल से अभी शुरू होने वाली है, जो उसने टीवी पर इसने ये बात की। जहाँ तक कायम अली शाह है, कायम अली शाह अकॉर्डिंग टू द रूल और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो चल रहा है। अब ये कि कायम अली शाह वज़ीर आला ने 3 दिन का वादा किया आवाम से कि 3 दिन में कराची के मेरे ख्याल में 3 अजला से कचरा साफ हो जाएगा, और वो कचरा डबल हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कचरा 3 दिन में मजीद बढ़ गया। नहीं, वो तो अब वक्त के साथ जो मिनिस्टर साहब हैं वो उसका जवाब देंगे। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। आई कैन गिव द आंसर, द मिनिस्टर ऑफ द लोकल बॉडीज ही विल गिव द आंसर। जो चीफ मिनिस्टर ने कहा उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड ही इज बाउंड टू गिव द आंसर। ब्रिगेडियर साहब, रेंजर्स जो हैं अमन अमान का तो बहुत आम फरीजा अंजाम दे रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में कराची के जो सोशल वर्क है वो भी एक क्राइसिस बहरान का शिकार है। आप समझते हैं कि अब हुकूमत को इस काम के लिए भी रेंजर से मदद लेनी चाहिए, उस हवाले से ही कोई इख्तियार दे दे? मेरे ख्याल में कि इख्तियारात की जंग जो है ना वो आवाम के सरों पर कचरा डाल रही है, और वो तो सामने नज़र आ रहा है कि इख्तियारात की जंग में कि ये नहीं मिल रहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं होगा, न सोमल तेल होगा और न रादा नाचेगी, वो वाली बात है। असल में बात यह है कि जो कौम ने, जो आवाम ने इनको ऊट दिया है तो किस लिए दिया है, ख्वा वो इमकीम हो, ख्वा वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वा जमात इस्लामी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर उनके पास कहते हैं कि 93% मैंडेट है तो वो 93% मैंडेट नज़र आना चाहिए गुड गवर्नेंस की शक्ल में, वो लॉ एंड ऑर्डर की शक्ल में आना चाहिए, वो लोगों के हिफाजत की शक्ल में आना चाहिए और लोगों को इंसाफ देने की शक्ल में। मगर वो कह रहे हैं आधे बंदे जेल में डालेंगे, अख्तियारात देंगे नहीं मेयर को, तो गुड गवर्नेंस से आप पीपल पार्टी करेंगे या एमकेएम करेंगे? क्या वो तो रेंजर का मसला नहीं है ना, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। बात तो उनके से सही है ना, अख्तियारात देना या नहीं देना रेंजर की तो बात नहीं है, रेंजर तो खुद अख्तियारात मांग रही है जो उसको नहीं दे रहा है। अच्छा, आपने तो रेंजर का सवाल किया था ना। देखिये, रेंजर्स को जब पहली बार बुलाया गया था चंद साल पहले तो ये तवक्को की जा रही थी कि उस दौरान पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जाएगा। रेंजर्स ने अभी तक पुलिस को कितना तरबियत दी है और कितना उसको इस काबिल बनाया है कि वो उनके साथ मिलके कराची के मामलात को संभाल सके? लगता ही है कि रेंजर्स के आने के बाद तो पुलिस मजीद जो है वो उसकी कारकर्दगी ख़राब होगी और रेंजर्स ही रेंजर्स नज़र आ रही है। देखो, आपको दो डायनामिक्स इसके देखने होंगे। एक तो वो डायनामिक जब पहला ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो पुलिस का हाल हुआ था, जो चुन चुन कर मारे गए थे, घुस के मारे गए थे, एक बात वो हुआ है, वो याद रखो। दूसरी बात, अब भी वही थ्रेट मौजूद है कि इसके बाद हम उनको फिर चुन चुन कर और घुस घुस कर मारेंगे। ये थ्रेट अपनी जगह पर है, वो कल है। सोशल मीडिया देख लो, हर चीज देख लो, मतलब वीडियोस उसकी मौजूद। दूसरी बात है, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, लेकिन जो मॉन्स्टर खाक हुई है, आज भी हम रेंजर्स के अख्तियारात की तरफ देख रहे हैं। अख्तियारात तो अपनी जगह पर, एक नासूर इतना बढ़ गया है कि वो अकेले पुलिस से संभाला नहीं जाता। नहीं, मैं ख्वाजा साहब, बल्कि आप तो जाहिर है कि सब इंटेलिजेंस एजेंसी, सब सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर इस काम को करेंगे और इन लोगों का विल शामिल होगा, इनका सिंसियरिटी शामिल वाली बात है कि एक तो रेंजर्स को तो आप अख्तियारात देते नहीं है, तो वो वाली बात है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे, और पुलिस को भी आपने अभी तक सही नहीं किया। मतलब कब तक आप जो है ये करते रहेंगे? आखिर पुलिस भी सही हो रही है, सही ऑफिसर आ रहे हैं। ये दलील इस तरह के हैं, जब बरेसगीर से हिंदुस्तान से अंग्रेज जा रहा था तो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कह रही थी कि या अल्लाह अंग्रेज नहीं जाए वरना ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, तो इस तरह की दलील ये हैं मेरे ख्याल से। ये पाकिस्तान को आप अंग्रेजों से तशबीह दे रहे हैं? मैं अंग्रेजों नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ। आप भी दुआएं कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, तो असल मतीन साहब, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप कंसंट्रेट करें इस चीज़ों पर। ठीक है, हम तो फरिश्ते नहीं हैं, हम तो बहुत ख़राब लोग हैं, मगर पंजाब में जो सारा हब ऑफ टेररिस्ट बैठे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हैं, जादीज बैठे हैं, उन पर तो हाथ डाले जाकर कोई, जिनकी वजह से सिंध डिस्टेबलाइज हो रहा है, जिनकी वजह से बलूचिस्तान में सेक्रेटेरियन आउटलिफ्स परवान चढ़ी है, वहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ सिंध की बात हो रही है। तो इस चीज़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है?
چودھری نثار کی، میاں نواز شریف کی، اور کس کی؟ سندھ میں بھی چودھری نثار کی ذمہ داری نہیں، وفاقی حکومت اس کی ہے نا. یہ تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مال کی حفاظت، یہ تو چھوٹو گینگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سندھ میں چھوٹو گینگ تو نہیں کاروائی کر رہا، چھوٹو گینگ کے لوگ اپر سندھ میں آتے تھے، یہاں کاروائیاں کرتے تھے، اخباروں کی رپورٹ ہے آپ کے نوائے. امن ہو گیا سندھ میں چھوٹو گینگ کے جانے کے بعد؟ دیکھیں معذرت سے ہاتھ باندھ کر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں دو طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے بات کرنے کا ایک منٹ کا موقع دیں. دیکھیں ایک تو یا جو ہے پنجاب میں جتنا کرائم ریٹ ہے، یا جو چیزیں پنجاب میں کرائم کے متعلق، کڈنیپنگ کے، رینسم کے متعلق، جادیز آرگنائزیشن کے متعلق چیزیں ہوتی ہے، وہ سینسرڈ ہیں، اخباروں میں نہیں آتی ہے 10-15-20 سال سے. دوسری طرف سندھ میں ہر چیز آتی ہے. میں یہ کہتا نہیں کہ ہم کوئی فرشتے ہیں، پنجاب میں بھی ہاتھ ڈالیں، کیونکہ پاکستان اس وقت سٹیبل ہوگا تو یہاں سے جو اب بالکل صحیح وہ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، کرنل ریٹائرڈ سید طاہر حسین مشدی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب. بات اتنی سی ہے کہ یہ اختیارات کی جنگ جو ہے، بظاہر اصل میں جو اختیار کسی کے پاس ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی وہ ایسا ایسا اختیار استعمال کر جاتا ہے کہ پھر شاید اس کو کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں رہتی. مگر بہرحال ایک بہانہ ہے، ایک کاغذی کارروائی ہے جو میرے خیال میں مفاد عامہ میں جلد سے جلد ہونی چاہیے. اپنا اپنا گریبان سے اتنا ہی. متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.